नमस्कार, आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज, हर कदम खबर की ओर। मैं हूं रिद्धि आपके साथ। आज 9 फरवरी है और वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। चंद्रपुर से मूलगढ़ चिरौली जाने वाली ट्रैवल्स बस में लगी अचानक आग। लोहारा में यह घटना घटी जहां चालक तथा वाहक की सतर्कता से यात्रियों को बाहर निकाल कर समय रहते जान बचाई गई। आग के रौद्र रूप ने बस को चलाकर खाक कर दिया, क्योंकि फायर ब्रिगेड समय पर पहुंचने में असफल रही। सौभाग्यवश जीवित हानि टली। नागपुर में फेडरल ड्रग्स की तस्करी में एक महिला सहित 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि कुछ लोग मुंबई से माल लेकर नागपुर आ रहे हैं, जिसके बाद नागपुर से कार में सवार होकर भागने की तैयारी में रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। इन आरोपियों के पास से 5,70,000 का 57 ग्राम का MD जब्त किया गया। बुटीबोरी MIDC क्षेत्र के पास कृष्णा नदी में डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत। 11 वर्षीय रिजवान जनकब खान और 8 वर्षीय इमामुल रुस्तम खान, ऐसा मृत बच्चों का नाम है, जो गणेशपुर के निवासी थे। जानकारी है कि यह बच्चे मां के साथ लकड़ियां तोड़ने जंगल गए थे और जब मां जंगल में लकड़ियां जमा कर रही थी, उसी दौरान नदी में नहाने उतरे। दुर्भाग्य से नदी में डूबने से उनकी दुखद मौत हुई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में प्रेशर IED की चपेट में आने से 4 CRPF जवान हुए घायल। बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह CRPF के 153वें बटालियन के जवान एरिया डोमिनेशन के लिए बीजापुर भोपाल पट्टनम मुख्य सड़क पर निकले थे और उसी दौरान यह ब्लास्ट होने से 4 CRPF जवान हुए घायल। TET घोटाले की जांच में सनसनीखेज खबर आई सामने। करीबन 7,900 शिक्षकों के नाम उनके पतों समेत किए गए तैयार। इस सूची में शामिल शिक्षकों की जांच शुरू कर दी गई है और खबर यह भी है कि पुलिस द्वारा उन पर जल्द ही कार्रवाई करने के संकेत भी मिल रहे हैं। इन शिक्षकों की नियुक्ति के वक्त ली गई परीक्षा के समय मार्क्स में हेरा फेरी की गई थी, जिसके कारण इन शिक्षकों पर गिरेगी गाज। इस घोटाले का मास्टरमाइंड गणेशन को पुलिस द्वारा सरेंडर की अपील की गई थी। उसने सरेंडर तो किया, लेकिन अदालत से जमानत भी ले। ठाकरे वाड़ी अपार्टमेंट डुप्लेक्स बंगलो की एक कल्पना है जो साकार कर रही है ठाकरे बिल्डर्स। चंद्रपुर के नामांकित बिल्डर्स आपको 2 और 3 बेडरूम फ्लैट तथा डुप्लेक्स रो हाउस प्रदान करते हैं। ठाकरे वाड़ी में ये ए विंग है, ये बी विंग है, ये सी, डी और ई विंग है, ये क्लब हाउस है और ये 3 BHK डुप्लेक्स हाउसेस है। भव्य प्रवेश द्वार 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों से तैनात रहता है। ये क्लब के आगे आलिशान लॉन में आपको शाम के समय व्यतीत करने में काफी मजा आएगा। क्लब के चारों ओर जॉगिंग ट्रैक है। ठाकरे बाड़ी में जो एक क्लब हाउस है, उसमें आउटडोर की गेम्स के अलावा इंडोर गेम। ठाकरे वाड़ी में पार्किंग की काफी जगह मुहैया कराई गई है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी खास डिजाइन किया हुआ है। आइए और ठाकरे परिवार में शामिल हो जाइए। कृपया बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मूल तहसील के केलझर रेलवे स्टेशन के करीब नाले में एक शव हुआ बरामद। 32 वर्षीय सिंधेवाई निवासी चेतन चिमडालवार कुछ काम से सास्ती गया था। वहां से लौटते समय वह केलझर रेलवे स्टेशन पर उतरा और वहां से कुछ ही दूरी पर स्थित रेलवे पुलिया से उसने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। जहां पर उसने छलांग लगाई, वहां पर पानी कम था, लेकिन वो शराब के नशे में होने के कारण उसका दुखद अंत हुआ। आगे की जांच मूल पुलिस कर रही है। चंद्रपुर जिले में प्रदूषण प्रचुर मात्रा में होने के कारण पहले ही नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है और अब ध्वनि प्रदूषण का खतरा भी मंडराता हुआ आ रहा है नजर। वाहन मालकों द्वारा वाहनों में लगाए गए कर्कश हॉर्न की वजह से बहरेपन की कई शिकायतें आ रही हैं सामने। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले कई युवकों द्वारा अपने दुपहिया वाहनों के साइलेंसर निकाले हुए देखा जा रहा है। आसपास से गुजरते इन वाहनों के कारण बच्चे और बुजुर्गों के साथ दुर्घटना होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।
पुना से एक हैरान कर देने वाली खबर है, जहां 4 साल के बेटे का 1,60,000 रुपए में सौदा कर बेच देने की घटना आई प्रकाश में। हैरानी की बात तो यह है कि इसमें शिकायतकर्ता ही आरोपी निकली। बिचौलिए की मदद से मां ने ही अपने बेटे को बेच दिया था। इस मामले में पुलिस ने मां सहित 8 लोगों को किया गिरफ्तार। तो ये थी आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए सीटीवी न्यूज़, हर कदम खबर की ओर। नमस्कार।